नियति ऋषि आर्यन प्लीज ऑन योर कैम। ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कवरिंग द होल चैप्टर नंबर 23 एंड 24। दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस के साथ, प्लस कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम वापस रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी तुम लोगों ने वीडियो देख के नोट्स तो बना ही लिए, बट आई थिंक सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू नो डूइंग एनीथिंग। तो एक एक टॉपिक मैंने लिया है, जैसे मीन। तो आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मीन एंड यू नो रिवाइज एवरीथिंग विथ यू। उसके बाद मीडियन पे जाएंगे, उसके बाद मोड पे जाएंगे, ओजाइव पे जाएंगे, अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर कर देंगे आज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो अभी ये करना क्या है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन तो तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, और इसके सल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा, बट ओनली आफ्टर यू हैव सॉल्व एंड सेंट इट टू मी, ठीक है। सो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। फोटो लेके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं इसको चेक करूँगा तुम्हारे आंसर को, और तुम्हें एक टाइम दिया जाएगा, लिमिटेड टाइम, हर एक क्वेश्चन के लिए एक लिमिटेड टाइम होगा, वो टाइम फ्रेम के अंदर तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग उसका सल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो किसी को भी कोई डाउट है अगर कुछ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इट, बट यू हैव टू सॉल्व इट। सो दिस इज नॉट यू कैन से वन साइडेड लेक्चर, दिस इज बोथ वेज वी हैव टू वर्क, फ्रॉम योर साइड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व। तो तुम्हारा कितना नॉलेज है, तुमने कितना नॉलेज अक्वायर किया है वो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। मीन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, मीन इज 24, मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसी एक या दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो सकती है, ठीक है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आए तो द मेथड यू विल यूज फॉर फाइंडिंग द मीन इज द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ठीक है। मीन की अगर डायरेक्ट मेथड तुम यूज कर रहे हो तो फर्स्ट यू विल मेक द टेबल इन विच द फर्स्ट कॉलम विल बी क्लास इंटरवल्स, ओके, देन द सेकेंड कॉलम विल बी द फ्रीक्वेंसी, द सेकेंड कॉलम विल बी द फ्रीक्वेंसी, ओके, देन यू विल राइट क्लास मार्क, क्लास मार्क्स, ओके, क्लास मार्क का जो सिंबल है दैट इज एक्स आई, सॉरी Sir, actually my mom is not at home now. She will come in a while, so I do not have a mobile. No problem. So you will keep it with you, all the questions. Jaise hi your mom comes back, you will send it to me. ठीक है? Okay, sir. Okay. Okay. Aradhya, can you on your cam now? Please do so if you can. Krish, please on your cam. Anushka, please on your cam. Who else? I think Siddhi, please on your camera. Okay, तो class mark, frequency, class interval और fourth column होगा FIXI, ठीक है। ये पूरा table तुम्हें fill करना है, you know how to do that, ठीक है। उसके बाद तुम्हें mean का formula use करना है, mean is equal to sigma FIXI upon सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट, उनका पूरा सम ले लेना है तो तुम्हें सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा यहाँ पे नीचे, और सिग्मा एफ आई मीन्स द
सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये दोनों का जो आंसर है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, इसमें दोनों में ए होगा, ए द लेटर ए विच इज मिसिंग। ओके ठीक है, सो एक्स बार इज योर मीन, रिमेंबर एक्स बार इज ऑलरेडी गिवन टू यू, एक्स बार इज इक्वल टू 24, तो 24 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, ये जो यहाँ पे टर्म्स आएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ए के टर्म्स में, उसको सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने पूरी मेथड डिस्क्राइब की है तुम्हारे लिए, आई एम श्योर कुछ लोगों ने सॉल्व करना शुरू भी कर दिया है, वेरी नाइस। सो आई एम गिविंग यू 5 मोर मिनट्स टू कंप्लीट इट, ठीक है, आई विल राइट द टाइम ओवर हियर। You have to give me at 6 by 6 7, you will send it to me, it should be in my inbox, come on begin। Beech mein kuch bhi doubt aata hai please unmute and ask me so I can guide you। And the answer is over here, let me just copy and paste it here। So I will send the PDF of this, all the question answers in your group once we are done। For now, if you want to just check your method, please check it with this, no issues are there, no problem for the delay, ठीक है। This is the method, बहुत ही simple है, मैंने जो जस्ट मोमेंट ये बात कर लेना, जस्ट मोमेंट ये बात कर ले रुजान। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन okay, so this is the next question in front of you, find the mean of the following frequency distribution using assumed mean method, assumed mean method। assumed mean method का मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ क्या procedure होता है। सबसे पहले आता है class intervals, ठीक है, first column है, देखो पहले वाली जो मेथड मैंने बताई थी तुम्हें यहाँ पे, दैट वाज डायरेक्ट मेथड जिसमें चार कॉलम होती है, अज्यूम्ड मीन मेथड में पांच कॉलम होती है, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद होती है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद होती है क्लास मार्क, क्लास मार्क, आई एम सॉरी क्लास मार्क की जगह आई वुड प्रिफर टू राइट एक्स आई, ठीक है। फिर आता है डी आई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए डी आई, उसके बाद वाली कॉलम होती है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ठीक है। सो दिस इज द मेथड फॉर अज्यूम्ड मीन। अब इसमें करना क्या है, सपोज तुम्हारे क्लास इंटरवल्स यहाँ हैं 2, 8, 14, 14, 20, 20, 26, 26, 32, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी यहाँ पे 6, 3, 12, 11, 8, तुम्हें इनमें से कोई एक मिडल वाली फ्रीक्वेंसी को, सॉरी मिडल वाले क्लास मार्क को सिलेक्ट करना, आई एम सॉरी फॉर दैट, नॉट मिडल वाली फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क तुम्हारा हो जाएगा 2 to 8 के बीच वाला, मतलब 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 और 14 के बीच में, 2 और 8 के बीच में 5 ही होता है ना, यस 8 और 14 के बीच में क्या होता है, 14 + 8 = 22 / 2 = 11, +6, 6 ऐड करते जाएंगे, 14 + 20 = 34 / 2 = 17,
सो 6 ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 6 करेंगे तो 29। इनमें से मिडल वाला जो तुम्हारा एक्स आई है वो हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। अगर मिडल में दो वैल्यूज़ है तो किसी को भी तुम मीन अज्यूम कर सकते हो। ये तुम्हारा अज्यूम्ड मीन है, याद रखना, अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 17 हमारे केस में। ए की वैल्यू कितनी है? 17, ठीक है। उसके बाद तुम डेविएशन डीआई निकाल सकते हो, एफआईडीआई निकाल सकते हो। तुम्हारे मीन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए प्लस एफआईडीआई सिग्मा एफआईडीआई अपॉन सिग्मा एफआई। सिर्फ ए आगे ऐड हो रहा है, सिग्मा एफआईडीआई अपॉन सिग्मा एफआई, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर मीन। यहाँ पे तुम्हारा डीआई है, एफ आई के नीचे आता है एफ आई सिग्मा एफ आई, यहाँ पे आता है सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। सबको याद होगी ये मेथड, मैंने बताई थी। सो दिस इज़ द ये लेआउट फॉर यू। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू कंप्लीट इट। सो बाय 18:18 यू शुड बी सबमिटिंग। कम ऑन, स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the correct answer for this question is 18.8, and these all students have submitted in time. ठीक है, बाकी लोग, ओके, भार्गव का भी आ गया, जस्ट आया है, नॉट श्योर, जस्ट हाफ द थिंग, सो आई हैव टू मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। Is in front of you. So you have to find the mean of following distribution using step deviation method. Step deviation method. Now step deviation method, you know, it is a more lengthier method, but the calculation becomes easier, simpler. So when your frequency or class intervals are larger in number, step deviation is very useful, right? So first column you are going to make as class intervals, class intervals, then your class marks, then your frequencies, then the deviations, that is xi minus a, assumed mean here also will be useful. Then the next column will be of ui, will be equal to di by h. H is your class width, you will divide your deviation by h, okay, and the last column will be fi ui. 6 columns in all, okay. So I'll just show you one for example. 0 to 10 suppose tumhara class mark, class interval hai, to uska class mark aayega 5, uski frequency di hai 10. तो डिविएशन, अच्छा, इसमें से जो मिडल वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी, मिडल वाला क्लास मार्क है, क्योंकि यहाँ पे दो क्लास इंटरवल्स है बीच में, 20 to 30 या 30 to 40, ये दोनों बीच में है, तो तुम किसी भी एक के क्लास मार्क को अज्यूम्ड मीन मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं किसको अज्यूम्ड मीन मान रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग माई अज्यूम्ड मीन एज 25, यहाँ से मेरा अज्यूम्ड मीन मैं निकाल रहा हूँ। तुम यहाँ से निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से तुम्हारा ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो योर डेविएशन विल बी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई इज 5, 5 माइनस 25 इज माइनस 20। नाउ आई विल डू डी आई, डेविएशन बाय हाइट, हाइट मीन्स क्लास साइज, एच मीन्स क्लास विड्थ, क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो डेविएशन इज माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इज 10, so you will get minus 2 over here, and this minus 2 you will multiply with the frequency fi, which is 10, so minus 2 times 10 is minus 20. Yes, yes. So मेरे को जो आपने last second वाली minus 2 निकाली, वो actually मेरे को minus 4 आ रही है, क्योंकि मैंने a को 30 कर लिया। a को 30 नहीं ले सकते, या तो 25 ले सकते हो या तो 35 ले सकते हो। 35. हाँ, 35 ले सकते हो, तो वो ये चेंज हो जाएगा, पूरा टेबल चेंज हो जाएगा। हाँ, तो
तुम्हारा फाइनल आंसर सेम रहेगा, हमारे जैसा ही रहेगा, मेरे जैसा ही रहेगा, ठीक है? सो यू कैन सिलेक्ट एनी अज्यूम्ड मीन एज पर योर कन्वीनियंस, जस्ट कोई सिली मिस्टेक मत करना कैलकुलेशन में. एनी वेज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर मीन मीन विल बी ए प्लस एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई टाइम्स एच, एच मतलब क्लास विड्थ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड देन यू विल गेट योर मीन, ठीक है? ओके, सो मैंने तुम्हें मेथड पूरा बता दिया है. आई एम गिविंग यू टाइम टिल 18:30, मतलब 6:30 तक. लेट्स सी हु सबमिट्स इन टाइम. योर टाइम हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. कम ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. रिमेंबर व्हाट दे आर सेइंग. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स का मतलब होता है सिग्मा एफ आई ऑलरेडी दे दिया है तुम्हें 120, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिग्मा एफ आई इज ऑलरेडी हाउ मच 120, ठीक है? तो इन सबका सम 120 होगा कि नहीं, ठीक है? होगा, डेफिनेटली होगा. 1 + 3 = 4 + 7 = 11 + 10 = 21 + 15 = 1 + 15 = 36 + 9 36 + 9 = 45 45 + 20 = 70 45 + 20 = 65 + 7 = 72 + 18 72 + 18 = 90. So basically 90 + x + y = 120 and x + y = 120 - 90. So x + y = 30. इक्वेशन नंबर वन रेडी हो गया तुम्हारा. इक्वेशन नंबर वन x और y का एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है. इफ इट इज गिवन दैट मीन इज 59, इनका मीन दिया है 59, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. अब देखो, मीन अगर दिया है तुम्हें तो तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फिनिश द टेबल. दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट राइट एक्स आई एंड देन एफ आई एक्स आई, ठीक है? ये दोनों कॉलम कंप्लीट करो, टेबल कंप्लीट करो पूरा. सिग्मा एफ आई ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, एक्स के टर्म्स में आएगी. और मीन का फॉर्मूला दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो. मीन की जगह पे 59 लिखो, सिग्मा एफ आई की जगह पे 120 डालो और तुम्हें एक इक्वेशन और एक मिलेगा एक्स और वाई के टर्म्स में, इक्वेशन नंबर टू. दोनों इक्वेशन सॉल्व करो और एक्स और वाई ढूंढो, ठीक है? सो दिस इज अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू टाइम टिल 18:40 तक का टाइम है तुम्हारे पास. आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, तुम्हें सिर्फ आगे सॉल्व करना है इसको. योर टाइम इज स्टार्टेड. कम ऑन. Rishi, just keep your cam on. Bhargav, ये cam बार बार बंद क्यों होता है तेरा? चालू रखने में तकलीफ है क्या तेरे को? Okay. So median. Before going to quartiles,
आई जस्ट वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला फॉर मीडियंस मीडियन फ्रॉम यू हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर अ रॉ डेटा स्टेप वन कैन एनी वन टेल मी द स्टेप वन फॉर फाइंडिंग मीडियन फॉर रॉ डेटा Open mic, anyone can tell, yes. So I will arrange it in SMT coordinator. Yes, arrange. So I will arrange the given data in SMT Arrange the data in ascending or descending order. Very good. Step 2, anyone? Sir, if the n is odd. Wait. Find n. What is n? N is equal to total number of observations. Step 3. Yes, Yash. Sir, if N is odd, then medium will be N plus 1 divided by 2 or whole upon N term. One second. If N is odd, the median would be N plus 1 by 2th term. Okay, and it will not be n plus 1 by 2 only, it will be n plus 1 by 2th term. So suppose, for example, n is equal to 7, which is odd, then what will be the median? The median will become 7 plus 1 by 2, that is 8 by 2, that is 4th term. 4th term will be the median. 4 will not be the median. Median 4 नहीं होगा, 4th term होगी. ये सबसे बड़ा mistake सब लोग करते हैं. ठीक है? अगर n even है, anyone can tell me the formula if n is even, what is the formula for finding median? N by 2th term. Sorry? N by 2th term. Plus n by 2 plus 1th term. N by 2 plus 1th term. ये दोनों का sum. और उनका एवरेज ले लेना है, डिवाइड बाय टू, दैट विल बी द मीडियन. ठीक है? सो दिस इज व्हेन एन इज ऑड एंड एन इज इवन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन ऑफ रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब कोई टेबल में नहीं दिया डेटा, रॉ दे दिया. ठीक है? टैब्यूलेटेड डेटा में अलग है. सो रिमेंबर, टैब्यूलेटेड डेटा कैन बी ऑफ द टू फॉर्म्स. ठीक है? इट कैन बी ईदर in the form of tabulated data, can be either in the form of grouped data. Let me write ungrouped here, and here I'm going to write grouped data. Ungrouped data and grouped data. Tabulated data दो form में आता है. Grouped data में you will find class intervals and then frequency and so on. अनग्रुप्ड डेटा में डायरेक्टली यू विल हैव ऑब्जर्वेशन एक्स आई. ठीक है? एंड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ मेजर डिफरेंस अनग्रुप और ग्रुप डेटा में. और दोनों में मीडियन ढूंढने का तरीका अलग है, अलग है मीडियन ढूंढने का तरीका दोनों में. ठीक है? सो व्हाट यू डू फॉर अनग्रुप्ड डेटा, हाउ डू यू फाइंड मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा? अनग्रुप डेटा में वॉट यू डू इज, इट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड इन अ टैबुलर फॉर्म, सो तुम्हें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट फाइंड, नंबर वन, फाइंड सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई विल बी योर कैपिटल एन. ठीक है? सिग्मा एफ आई विल बी योर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन. इट कैन बी ईदर ऑड और इट कैन बी ईदर इवन. ठीक है? अगर अगर n ऑड है तो तुम्हारा मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी n प्लस 1 बाय 2th टर्म. और अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा? n बाय 2th टर्म. ठीक है? ये थोड़ा अलग है ये फॉर्मूला. डू यू सी देयर इज अ डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला फ्रॉम द अर्लियर वन? Yes. You're not audible. Sir,
sir in the median odd number, then it will be n plus 1 upon 4 to come. Yeah, n plus 1 upon 2 तो लिखा है यहाँ पे. Even वाला check कर एक बार. Sir, even वाला n upon 4 होगा और odd वाला n plus 1 upon 4 to come. 4, 4 तो है ही नहीं, 4 तो इधर है. ये quartile वाले में 4 है. I am not talking about quartile. That is a different ball game. वो अलग ही story है. मैं तो median की बात कर रहा हूँ. ये median नहीं है. ये मीडियन का मीडियन है, क्वार्टाइल. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अनग्रुप डेटा का मीडियन, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट. यही है आंसर इसका. ठीक है. अच्छा, ग्रुप डेटा में क्या करना है? ग्रुप डेटा में एक पर्टिकुलर मेथड है मीडियन ढूंढने का, जो तुम्हारे बुक में, तुम्हारे ICSE के सिलेबस का जो मेथड है, दैट इज, आई एम टेलिंग यू दैट मेथड. तो तुम्हें क्यूमुलेट, सॉरी, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिया है. यू हैव टू फाइंड सी एफ. यू नो वॉट इज सी एफ? सी एफ इज क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी. तुम्हें पता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये दो टाइप की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ दीज टू टाइप्स, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. ठीक है. सो आई विल डू अ क्वेश्चन विथ यू जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे. मैं तुम्हें हेल्प करूंगा लेस देन टाइप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए. अगर तुम भूल चुके हो तो कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग बना के देखेंगे. अच्छा, ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा पता है? द लास्ट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच यू गेट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम एट द एंड, द फाइनल क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट विल बी इक्वल टू योर सिग्मा एफ आई, और इट विल बी द एन. सिग्मा एफ आई या फिर एन होगा वो. ठीक है. अच्छा, ये एन से तुम्हें क्या मिलेगा? मीडियन मिलेगा. अभी जनरली ग्रुप डेटा में ना एन तुम्हें इवन ही आता है, जनरली इवन ही आता है. सो व्हाट यू डू इज यू प्लॉट एन ओजाइव. ठीक है, ओजाइव में यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे होती है अपर लिमिट. ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे प्लॉट करना है, और इससे तुम्हें एक ओजाइव मिलेगा ऐसा. ठीक है, ओजाइव में जो एन बाई टू है, एन बाई टू, उसको तुम्हें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब y एक्सिस पे प्लॉट करना है n बाई टू को. दिस नंबर विल बी n बाई टू. ठीक है, अगर n 100 है तो n बाई टू 50 होगा. फिर यहाँ से राइट हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करनी है. वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन x एक्सिस को, अपर लिमिट को, वहीं पे तुम्हें मिलेगा तुम्हारा मीडियन. सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड यूजिंग ओजाइव फॉर फाइंडिंग द मीडियन. ठीक है, सो लेट्स डू इट, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. अच्छा, बट बिफोर दैट, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है. रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ रिविजन आई एम डूइंग विथ यू. अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या करना है. ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है. और एक चीज़ है मीडियन के साथ, दैट इज क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स, तो ये क्वार्टाइल क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. क्वार्टाइल कैन बी अ लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल. व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल? अच्छा, रिमेंबर, सपोज यू हैव 10 ऑब्जर्वेशंस, लेट्स से 5, 7, 8, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14. ठीक है, सपोज ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन है. तुम फर्स्ट इसको क्या करोगे? असेंडिंग में कन्वर्ट करोगे. असेंडिंग में कन्वर्ट करोगे या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करोगे? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 3. फिर कौन है? 4. फिर कौन है? 5. फिर कौन है? 7. फिर 8. फिर 9. फिर 10. फिर 11. फिर 12. फिर 14. ओके, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 6, 4, 10. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे,
The total number of observation which you are seeing over here is 10, which is even. Total number of observation यहाँ पे कितना है? 10 है, वो even है, ठीक है? अच्छा, ऐसे केस में तुम क्वार्टाइल कैसे ढूंढ सकते हो? मीडियन तो तुम्हें मिल जाएगा. मीडियन क्या होगा इसमें? चलो मीडियन मैं दिखा देता हूँ तुमको. मीडियन विल बी एन बाय टू एथ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म डिवाइडेड बाय टू. एन बाय टू मतलब फिफ्थ टर्म, टेन बाय टू फिफ्थ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन दैट इज फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय टू. फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म. फिफ्थ टर्म कौन सी होती है? कौन सी है इसमें? वन टू थ्री फोर फाइव एट. सिक्स्थ टर्म कौन सी है? नाइन डिवाइडेड बाय टू सेवेंटीन बाय टू. मतलब ये कितना हो जाएगा? 8.5. दिस विल बी योर मीडियन 8.5, एग्जैक्टली 8 और 9 के बीच में. यहाँ पे तुम्हें समझ में आया? मीडियन को विजुअली देखो, क्या है मीडियन? मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडल मोस्ट वैल्यू. रिमेंबर, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू. अच्छा, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल भी विजुअली समझाता हूँ मैं तुम्हें. सी, हमारा एन इवन था, ओके? तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल फॉर यू. इफ एन इज इवन, एन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज द लोअर क्वार्टाइल, ओके? तो यहाँ पे एन 10 है, 10 बाय 4 मतलब 2.5, 2.5th ऑब्जर्वेशन, लोअर क्वार्टाइल. लोअर इज इक्वल टू 2.5th ऑब्जर्वेशन, एन बाय 4, 2.5th ऑब्जर्वेशन मतलब का क्या होता है? 2.5th ऑब्जर्वेशन का सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, है कि नहीं? 2.5 तो वही हुआ ना. सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 4. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9 बाय 2 विच इज 4.5. सो 4.5 यहाँ पे आता है. दिस इज योर L1 लोअर क्वार्टाइल और Q1 लोअर क्वार्टाइल. तुम्हें देखा कि यहाँ से यहाँ तक अगर तुम वैल्यूज लेते हो उसके मिडल में आता है ये लोअर क्वार्टाइल, ठीक है? इनके मिडल में आता है कहीं पे ये लोअर क्वार्टाइल 4.5, ठीक है? और अपर क्वार्टाइल कहाँ पे आएगा? यहाँ से यहाँ जो लास्ट तुम्हें दिख रही है ना टर्म्स, इनके बीच में कहीं पे आएगा. हो सकता है कहीं भी हो सकता है, ठीक है? सो एक बार देख लेते हैं कितना है, कहाँ है, किधर है. लोअर सॉरी अपर क्वार्टाइल इज 3n प्लस 3n बाय 4 इफ इट इज n इज इवन. सो 3 टाइम्स n विच इज 10 डिवाइड बाय 4 विच इज 30 बाय 4 विच इज 15 बाय 2 विच इज 7.5th ऑब्जर्वेशन. That is 7th observation plus 8th observation divided by 2. ठीक है, 7th observation है तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is 10, 8th observation is 11, 10 plus 11 is 21 by 2, 10.5. तो कहीं पे आया यहाँ पे. So this is not very accurate example, but still मुझे यहाँ पे मिल रहा है. That is the upper quartile. ठीक है, so तुम्हें मिडल मोस्ट वैल्यू ढूंढनी है. दैट इज द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. तो इसके भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मीडियन के. मीडियन बहुत बड़ा टॉपिक है. मैंने बहुत ही ब्रीफली एज पॉसिबल, जितना ब्रीफ हो सके उतना ब्रीफ किया है मैंने उसको. अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हैं हमारे पास. लेट्स टेक दिस वन क्वेश्चन. क्वार्टाइल के बेस ऊपर बेस्ड है. From the following data, compute the lower, middle and upper quartile. याद रखना, lower quartile is Q1, middle quartile is median, okay, which is equal to Q2, and upper quartile is Q3.
ठीक है, तुम्हें एज दी है, नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं, सो एज इज योर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये दोनों का टेबल कंप्लीट करते हैं, सो 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऋषि you why you have changed your camera setting? I have not changed anything. What are you saying? मैं कब से देख रहा हूँ यार, पूरा उसको ब्लर कर दिया तूने, क्या खेल रहा है यार तू, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने नहीं किया, मैं वही हाँ, नहीं अपने आप हो जाता है ये सब हार्डवेयर में, मैं तो बच्चा हूँ अभी, अपने आप हो गया कैमरा ब्लर। तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, एक मेरे को पिक्चर नहीं भेजा है, नंबर भी दे दिया मेरे से, ले लिया फिर भी पिक्चर, एक भी एक क्वेश्चन नहीं किया, तेरा मूड ही नहीं है आज, तेरे मूड मुझे नंबर अभी तक आपका क्या सर? नहीं मैं अभी दो तीन बार डिस्कस, ये इधर लिखा हुआ है गधे, ये देख तू था तभी तेरे सामने, तेरे को दिया नंबर, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, अभी बोला मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, जा मत पढ़ना है मत पढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टीचर हूं, मैं वॉचमैन नहीं हूं, तुम्हारे पीछे लगता रहूं हमेशा, ध्यान दो पढ़ाई करो, भाड़ में जाओ नहीं पढ़ना है तो मेरे को क्या करने का है? अभी बराबर कैमरा ठीक हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बच्चे हैं यहाँ पे, अचानक पैदा हो गए, हार्डवेयर समझता नहीं हमको, ओके नंबर ऑफ मेंबर्स 361, 132, 153, 140, या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज दिस अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करना है, पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखनी है, फिर ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सेकेंड वाली के साथ ऐड कर देना है, 3 + 61 = 64, 64 को 132 के साथ ऐड करना है, 132 + 64, 130 + 60 = 190 + 6 = 196, उसको 153 के साथ ऐड करके यहाँ पे लिखना है, ऐसे करते 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 यहाँ पे यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ आई, यस हाउ मच इज इट, टोटल नंबर ऑफ 543, आर यू श्योर प्लीज, एनीवन कैन कंफर्म दिस? ओके ओके, सो दिस इज योर एन, 542 कोई बोल रहा है, बहुत लोगों को 543 आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक देन, सर मेरे को 542 आ रहा है, 543 है भाई, तेरी गलती है, ओके वेट, ठीक है, एन आया तुम्हें 543, सबको एन आया 543, ओके ये क्या है, ऑड है, ठीक है, एन एन ऑड है, ये है तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे Q1 विल बी एन प्लस 1/4, दैट इज 543 प्लस 1/4 विच इज 544/4, हाँ ये बताओ मेरे को कितना आता, 135.75, 136, मुझे चेक करना पड़ेगा ये भी, सर मेरे को 138
35 आ रहे हैं सर। 135.75 का राउंड ऑफ करके 136 ले सकते। ओके तो तुमने राउंड ऑफ किया है। नहीं सर मेरे मन लेकिन मेरे को 136 is what they have taken. Is this rounded off figure 136? Yes sir. It seems like that. So will be 135.75. Cool. Okay. So 136 ले सकते हैं then, because that is what they have taken in the answer. Okay. Now see. अब देखो जरा एक चीज देखो ध्यान से. Yes. Yes. ठीक है ना? नहीं सर आ गया। ओके ग्रेट ओके अब देखो जरा एक चीज देखो ध्यान से। यू हैव टू लोकेट 136th ऑब्जर्वेशन। देखो अभी देखो ध्यान से देखो बहुत ही अजीब है ये। दिस इज रियली वियर्ड। लोकेट 136th ऑब्जर्वेशन। लोकेट 136th ऑब्जर्वेशन। ओके दैट विल बी योर Q1 lower quartile. Now just see, first three observations are 20, fourth observation say 64th observation are 30, 65th observation to 196th observations are 40. तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Cumulative frequency में तुम्हें पता चलेगा कि कौन से observation का rank 136 है। सो 65th ऑब्जर्वेशन से 196th ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है वो 40 है। सो 136th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 40। Q1 विल बी 40। Q1 विल बी 40। दैट इज 136th ऑब्जर्वेशन। डू यू सी दैट? किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या ये लोकेट करने में? क्योंकि अगर ये लोकेशन तुम्हें नहीं आता है तो फिर तुम यू आर इन अ मेस। यू विल बी इन अ ट्रबल। सर आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? या सो जस्ट सी दीज ऑब्जर्वेशन। इफ आई राइट लाइक दिस 20 20 20, तीन बार आएगा, फिर 30 30 30, ऐसा कितनी बार आएगा पता है? 64 times। अच्छा 65th टाइम आएगा 40 40 40, ऐसा ही चलता जाएगा अप टू 196th टाइम्स 40 आएगा। 196 टाइम्स। तो दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यू अंडरस्टैंड? इसमें से जो Q1 की पोजीशन में, लोअर क्वार्टाइल की पोजीशन में, वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है? तो दैट इज 40, बिकॉज उसका जो रैंक है दैट इज 136। अगर तुम ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 136th ऑब्जर्वेशन विल बी योर लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो नाउ इट इज योर जॉब टू फाइंड Q2 एंड Q3 विद द सेम कॉन्सेप्ट। लेट्स सी हु कैन डू दिस।
Okay, Niyati has sent me two answers, which is basically the median and the Q3. 40, 50, 60. Cool. Check karenge. Niyati, you are correct. Aryan, you are correct. Very good. तो मतलब तुम लोगों को समझा यार. Very nice यार. I thought समझेगा ही नहीं कुछ लोगों को कि करते कैसे. Because this is little tricky, but अगर formula correct लगाओगे तो you can get the answer very easily. ठीक है, सो क्रैक्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वार्टाइल्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहाँ गया? Okay, the next question is in front of you. Okay, Anushka has sent me. Very good, Anushka, it's correct. Okay, next question mein, what you have to do is, you have to draw an ogive. I hope everyone has the graph paper. Okay, nikal lo graph paper. Sir, I'm not having the graph paper. You're not having graph paper? You have a sir, graph book? I'm actually out of town, sir. Oh, you are out of time. Okay, no problem. No problem. ठीक है. तो देखो नोटबुक में अगर कर सकते हो तो. If you can do it in the notebook, just try. Just a minute, I'll break my graph. Okay. ठीक है. So इसमें तो तुम्हें graph का use करके फिर तुम्हें lower quartile, upper quartile या जो भी है पूछा है median, ये सब graph से निकालना है तुम्हें. ठीक है, ये सब तुम्हें graph पे करना है. अब ग्राफ पे ओजाइव ड्रॉ करने के लिए जो मेथड है, ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू. लेट्स सी, लेट मी ब्रिंग अ ग्राफ ओवर हियर. ओके, सो एज यू कैन सी तुम्हारे स्क्रीन पे मैंने ग्राफ लेके आया. आई जस्ट गॉट द ग्राफ. अब मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ. तुम्हें पहले ही एक स्केल दे दिया है, बट स्केल या जो भी है उससे पहले, डिसाइड करने से पहले, वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल. ठीक है, हमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा. रिमेंबर दैट. आई एम गोइंग टू मेक इट ओवर हियर फॉर यू. सो पहले तो वेजेस, दैट इज योर क्लास इंटरवल्स. उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दीज थ्री आर द ओनली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्लॉट दिस ओजाइव. वेजेस 400 टू 450, 450 टू 500, 500 टू 550, 550 टू 600, 600 to 650, 650 to 700, 700 to 750, frequency 2, 6, 12, 18, 24, 13 and 5, cumulative frequency 2 plus 6, 8 plus 12, 20 plus 18, 38 plus 24 will be 62. 30 plus 20, 50 plus 12, 62 plus 13 is 75 plus 5, 80. Yes, there are total 80 workers. देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो n है
वो हमेशा इवन ही होता है। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये भी तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें भी एन इवन ही है और हमेशा एन ऐसा ही तुम्हें वैल्यूज़ देते हैं कि जिसमें एन इवन हो, ठीक है। सो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो रेडी है, इट इज़ रेडी। अब तुम्हें ओजाइव प्लॉट करना है। सो ओजाइव में व्हाट यू डू इज यू प्लॉट ऑल द अपर लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। तुम्हें स्केल ऑलरेडी दे दिया है। एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स लेना है, 50 रुपीज़, और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स लेना है। टोटल 80 वर्कर्स हैं हमारे पास, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे यूज अ ब्लू पेन, सॉरी, या सो मैं क्या करूंगा कि नीचे से दो बॉक्स छोड़ के एक लाइन बनाऊंगा। आई सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन अप्रोप्रिएटली, या नीचे से दो बॉक्स छोड़ के एक लाइन बनाऊंगा। चाहिए तो और एक बॉक्स, तीन बॉक्स छोड़ के लाइन बना सकते हैं। नीचे जो क्लास इंटरवल से अपर लिमिट्स है उसको लिखने के लिए तुम्हें जगह चाहिए। ठीक है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन वाई एक्सिस यहाँ पे वर्टिकली क्रिएट कर दो, ये एक लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है तुम्हारा। यहाँ पे स्केल लिख लो, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, हमारे पास 400 से मनी स्टार्ट होता है, वेजेस स्टार्ट होते हैं रुपीज 400 से। सो जीरो से लिखना कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज़ लिखना शुरू करूँ तो 50, 100 प्लीज़ मत लिखना, ये 150, 200, 250, 300 ये गलत हो जाएगा। बिकॉज 400 फिर तुम्हारा यहाँ पे एंड में तुम ग्राफ कहाँ बनाओगे, 400 से तुम्हारा शुरू होता है। सो इस केस में यू विल ड्रॉ अ किंक, किंक इफ यू रिमेंबर वॉट अ किंक इज अ ब्रेक, ठीक है। तो किंक ऐसे बनाते हैं। किंक बनाने के बाद ये जो दो बॉक्स तुमने यूटिलाइज किए हैं किंक बनाने के लिए, उसके बाद वाला बॉक्स छोड़ दो और यहाँ से ये जो लाइन बना रहा हूँ यहाँ से लिखो 400, फिर दो बॉक्स छोड़ दो। दो बॉक्स मतलब 2 सेंटीमीटर, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है तुम्हारे ग्राफ पे। दो बॉक्स छोड़ दो एंड देन राइट 450, देन राइट 500 आफ्टर टू बॉक्स, देन आफ्टर टू बॉक्स 550, लाइक दैट कंटिन्यू टिल 750। जस्ट फिट हुआ, जस्ट, ठीक है। सो ये तुमने सारे क्लास इंटरवल लिख दिए,
अपर लिमिट ही लिखनी है, लेकिन सारे क्लास इंटरवल आएंगे तो काम आ जाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी वाई एक्सिस फिल करते हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स, तो 0 से 10, यहाँ पे किंग की ज़रूरत नहीं है, 20, 30, 40, 50, 60, I'm sorry, 70, 80। नाउ समबडी इज़ वंडरिंग कि अगर 10 और 20 के बीच में अगर कोई नंबर ढूंढना है तो वो कहाँ पे आएगा, तो मैं तुम्हें अल्ट्रा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब तो मतलब कुछ भी दिख जाएगा, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिख जाएंगे अल्ट्रा जूम, ठीक है। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि सर इसमें 15 कैसे ढूंढना है, 12 कैसे ढूंढना है, 22 कैसे ढूंढना है, बहुत इजी है, ठीक है। आई होप योर आइज आर वर्किंग फाइन, बिकॉज इफ दे आर नॉट यू कैन नॉट सॉल्व दिस, ओके। देखो अब इसमें क्या किया है हमने, आई हैव टेकन द स्केल एज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 वर्कर्स, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 वर्कर्स। ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, दैट इज इक्वल टू 1 ब्लॉक या फिर 1 बॉक्स। 1 बॉक्स मतलब 5 वर्कर्स, और ये 1 ब्लॉक में होती है 10 लाइन्स, 10 लाइन मतलब 5 वर्कर हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, 1 लाइन, 1 स्मॉल फाइन लाइन विच यू सी ओवर हियर, दिस इज 1 स्मॉल लाइन, दैट 1 स्मॉल लाइन इज इक्वल टू, या फिर 1 छोटा सा जो बॉक्स है 2 लाइन के बीच का जो गैप है, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 10, मतलब 0.5 वर्कर्स। लेकिन वर्कर तो डेसिमल में नहीं हो सकते ना, इसका मतलब है 2 लाइन्स, 2 छोटी लाइन जब तुम क्रॉस करोगे ना, यू विल एक्चुअली काउंट 1 वर्कर। 2 छोटी लाइन मतलब ये जो अगर 10 है तो 10 के बाद ये 1 लाइन और ये दूसरी लाइन पे तुम्हें मिलेगा 11, फिर 1 लाइन और ये दूसरी लाइन यहाँ पे मिलेगा 12, ऐसे ही 13। सर मतलब एक एक लाइन छोड़ के एक वर्कर। एग्जैक्टली, मतलब 2 लाइन का वैल्यू 1 वर्कर है, इसके लिए एक एक लाइन छोड़ के एक वर्कर आ रहा है, क्योंकि 2 लाइन का वैल्यू 1 वर्कर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिडल वाली थोड़ी सी डार्क लाइन है उस पर मिलेगा 15th वर्कर तुम्हें। तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट तुम्हारे जो वर्कर है, 10 और 20 के बीच का कोई भी नंबर आता है, 20 और 30 के बीच का कोई भी नंबर आता है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट वेयर दैट पॉइंट लाइज, ठीक है। सो थोड़ा सा मैंने तुम्हारे लिए डेफिनेटली इतना जूम इन करके इसको ईजी तो बना ही दिया है, बट थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करो, क्योंकि ग्राफ तुम्हारा कोई इतना कोई पहली बार तुम देख नहीं रहे हो, बट यू नो किसी बच्चे को होता है कभी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा इतना डीप में जाके समझा रहा हूँ, इतना जूम इन, एंटमैन बनना पड़ा मेरे को इसलिए समझाने के लिए, क्वांटम रियल में आ गया मैं, अभी इससे वापस निकलने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा कि कोई मेरे को निकाले, कोरोना भी हो गया इसके बीच में, टाइम ट्रैवल कर दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, वापस जाता हूँ, दुनिया चेंज हो जाएगी, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, शादी वादी हो जाएगी, इंटरस्टेलर, आई विल मीट माई डॉटर व्हेन शी इज डाइंग, जस्ट इमेजिन। किसने देखी इंटरस्टेलर, रेज योर हैंड इंटरस्टेलर फैंस, क्रिस्टोफर नोलान फैंस, एनीवन इन द हाउस, अरे क्या बात, ओके कूल, चलो लेट्स प्लॉट। सो द फर्स्ट नंबर और द फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू आर गोइंग टू प्लॉट ओवर हियर इज 450 एंड 2, 450 एंड 2, ओके। 450 किधर है और 2 किधर है, थोड़ा सा जूम इन रहना ही पड़ेगा अपने को, बिकॉज 2 देखने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा सेट ऑफ आइज,
which you can't grow overnight, but yeah, 450 comma 2 can be plotted easily now. 450 यहाँ पे है, 2 देखो यहाँ पे 1 है और इसके बाद, अरे यार इसको थोड़ा सा मैं slim down. ओके यहाँ पे दिस इज द पॉइंट विच आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज 450 कॉमा 2. ओके नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स विल बी जस्ट अ मोमेंट 500 कॉमा 8 अपर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन ओजाई, सॉरी लेस देन ओजाई. 500 कॉमा 8 500 कॉमा 8 देखो अभी 5 यहाँ पे है, ये वाली लाइन के ऊपर 5 है, उसके दो लाइन के ऊपर 7 और उसके दो लाइन के ऊपर 8 यहाँ पे. दिस इज 500 कॉमा 8. नेक्स्ट विल बी 550 कॉमा 20. ओके 550 तो मिल गया, 20 भी मिल गया. 550 कॉमा 20 वुड बी ओवर हियर. ठीक है 550 कॉमा 20. आई होप यू आर एबल टू प्लॉट दिस. मैं लाइव में वापस करवा रहा हूँ बिकॉज दिस इज योर रिविजन, दिस इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स. ओके 600 कॉमा 38. ओके 38 विल बी ऑन दिस लाइन, बट वेयर 40 से चार लाइन नीचे, ये 40 वाली लाइन है, उससे दो लाइन नीचे 39, उससे दो लाइन नीचे 38. 600 कॉमा 38 भी हो गया. नेक्स्ट विल बी 650 कॉमा 62. 650 कॉमा 62. ओके 650 यहाँ पे है, 62 वुड बी ओवर हियर. ये 60 के ऊपर दो लाइन, 61 और दो लाइन ऊपर. ओके 650 कॉमा 62. 700 कॉमा 75. ओके 700 वाली ये लाइन है, 75 एग्जैक्टली 70 और 80 के बीच में आएगी. एंड द फाइनल वन विल बी 750 कॉमा 80. वेरी इजी टू प्लॉट. ओके 750 यहाँ पे, 80 वाली ये लाइन है, दिस इज वेयर योर ओजाइव एंड्स. ठीक है सारे सीरीज ऑफ पॉइंट्स मिल गए, आई विल जस्ट जूम आउट फॉर यू टू सी. Okay, so all points can be seen in one screen now. Now, I'm going to join them with a smooth freehand curve. Remember, smooth and freehand. Na scale ka use karna hai, na haath uthana hai. Haath ko lift nahi karna. Theek hai, paper ke upar hi rakke, ek hi jhatke mein. In one shot, in one go, you have to join all these points in series with a smooth curve. ज़िगज़ैग जरा भी कॉर्नर शार्प नहीं आना चाहिए. जितना स्मूथ कर्व होगा उतना एक्यूरेट मीडियन मिलेगा, रिमेंबर दैट. ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से. अच्छा शुरू कहाँ से करना है, देखो मीडियन जो ओजाइव है ना, ओजाइव उसकी जो टांगे हैं, दैट इज उसके जो लेग्स हैं, वो हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से शुरू करेंगे, दैट इज़ द प्रीवियस और द लोअर लिमिट. तो 400 से शुरू करेंगे, 400 से आगे बढ़ेंगे हम लोग. 450, I have started my journey already. 550, 600 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं आगे. It is quite smooth up to now. I think this is a masterpiece. Leonardo da Vinci. Italy के म्यूजियम में रख दो भाई को इसको जाके. ये जो ओजाइव बनाया ना, वो भी मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है, पेन स्केल नोटबुक्स नहीं है. आई एम मेकिंग इट ऑन ग्राफिक टैबलेट. मतलब मेरी आंखें स्क्रीन के ऊपर है, हाथ मेरा नीचे है. क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, तोड़ फोड़ है भाई, बंटा है इसको लेड़ा. ओके कौन है ये, कौन सा मीडियन क्या है इसका, क्या ढूंढना, क्या मीडियन. ओके ऑलराइट, सो एन इज 80, राइट. मैंने तुम्हें मीडियम ढूंढने का टेक्निक बताया था. सो हाउ टू फाइंड मीडियम, सी वॉट वी डू इज वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन बाय टू. रिमेंबर एन बाय टू इज 80 बाय टू विच इज 40. सो वी टेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 एंड इट मीट्स
this ogive at this point exactly. I'll leave it over here. ठीक है, यहाँ पे एक एरो बना दो टूवर्ड्स राइट, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 ऑन वाई एक्सेस टूवर्ड्स द ओजाइव, मीट्स द ओजाइव, स्टॉप देयर फॉर अ मोमेंट. नाउ ड्रॉ अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन विच विल मीट द एक्स एक्सेस. कूल. Can't be more straight up. ठीक है, तो 600 के बाद दो लाइन के बाद आ रहा है मेरा ये पॉइंट. ओ सो दो मतलब 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 50 रुपीज, राइट? सो टू डिविजन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? Of course, 5 rupees. So 605, guys. I'm getting 605. Median ye hai. So median is equal to rupees 605. That is what I'm getting. Sir, aap ek baar question wapas dikha sakte ho? Haan, haan, dekho na. Ye raha question. मेरे को आ गया 605 आ रहा है मेरे को. सो वो लास्ट वाली वैल्यू 3 है या 6 है? 5 है. 5. और आप एक बार हो जाए वापस दिखा. हो जाए. ओके आगे बढ़ते हैं. मीडियन तो आ गया बट देर इज समथिंग विच इज स्टिल रिमेनिंग. यू हैव टू फाइंड द लोअर क्वार्टाइल वेज ऑफ वर्कर्स. लोअर क्वार्टाइल मतलब यहां पे हो जाएगा एन बाय फोर. एन बाय फोर, एक मिनट. एन बाय फोर मतलब 80/4 मतलब 20th ऑब्जर्वेशन. मीडियन था 40th ऑब्जर्वेशन. लोअर क्वार्टाइल Q1, ये था Q2. Q1 विल बी इक्वल टू 20th ऑब्जर्वेशन. 20th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है. ओके, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर वेयर इट विल लीड. हे 20th का तो पता है ना अपने को, 550 पे आता है एग्जैक्ट. हाँ? नहीं नहीं सही है, सही कर रहा हूँ. ओके 550 आ रहा है एग्जैक्टली. इसको नीचे की तरफ अगर लेके जाता हूँ मैं, दिस इज द लोअर क्वार्टाइल 550. ठीक है, ये होगा तुम्हारा Q1. एंड वॉट एल्स? अपर क्वार्टाइल नहीं पूछा है, हम लोग निकाल लेते हैं Q3. क्या फर्क पड़ता है? 3n/4 दैट इज 3 times 80/4 दैट इज 60th ऑब्जर्वेशन. 60th ऑब्जर्वेशन क्या है? मुझे तो यहाँ पे 60th ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली 650 दिख रहा है. 650 दैट इज 60th ऑब्जर्वेशन. इंटर क्वार्टाइल रेंज, इफ यू डोंट नो व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 - Q1 विच इज 650 - 550 विच इज 100. दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है, Q3 - Q1. ओके सब कुछ मिल गया.
नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625, ओके, मोर देन 625, 625 किधर है? 600 और 650 के बीच में. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माय कलर एंड आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट फ्रॉम 625 व्हिच इज ओवर हियर. 625 से मैं सीधा जाऊंगा ऊपर 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 और ये मैं मीट करूंगा इसको ग्राफ को. लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक एंड इंक्रीज द थिकनेस अ बिट. ओके कूल. अब यहां से मैं जाऊंगा to the left. Okay. So as you can see, शायद मेरा थोड़ा टेढ़ा मे भी हो सकता है. I'm not so sure. 625 रुपीज से ज़्यादा अर्न करने वाले लोग अगर तुम्हें चाहिए, you are getting maybe four lines above 45, that is maybe this number over here is 47. Sir, I am getting two lines above 45. Okay, I'm getting four lines above 45. We will check our answers, no problem. Okay, मतलब 47 workers की जो salary है रुपीज 625 से कम है. I have to find the number of workers whose salary is more than 625. मतलब इसके ऊपर कितने workers है. So 47 workers तो 625 के नीचे है, right? So number of workers whose salary is more than rupees 625. Rupees 625 is equal to 80 minus 47. 80 minus 47 is 33. So मेरा आंसर 33 है लास्ट वाले का. So मेरे सारे आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मीडियन आया मेरे को 605, लोअर क्वार्टाइल आया 550 और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आया मेरे को 33. 605, 550 एंड 33. दीज आर माई आंसर्स. Anyone else whose answers are matching with me or not matching with me? Sir, yes. Sir, my third answer is 30. Sorry, your voice is cracking. Sir, my third answer, I got 30. 30, oh, okay. Sir, I got my third answer as 34. Okay. Sir, I also got the third answer 30. Okay, the answers are in front of you. Median is perfect, 605. Lower quartile is perfect, 550. Third answer is 30. जिसको भी 30 आया, very good, correct. मेरी गलती है यहाँ पे, मैंने कुछ शायद line straight नहीं बनाई है इसकी वजह से, but the third answer is 30 according to the graph. So very well done. Median, जिसका भी answer correct आया है या जिसने भी ध्यान दे के ये ठीक से बनाया है, उसका concept clear हो चुका है. Well done, very good. मीन डन, मीडियन डन. मेरा 33 कैसे आया तेरे को समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625. तो मैंने क्या किया यहाँ पे समझा तेरे को? हु अर्न मोर देन 625 में मैंने क्या किया? डू यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड आर्यन? आर्यन,
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मेरे को लगा कुछ नहीं बोल रहे। क्या बात कर रहा है? कैन एवरी वन हियर मी? यस सर, इन बिटवीन योर स्क्रीन वाज आल्सो पॉज व्हेन यू वर टेकिंग द स्टम व्हिच वाज प्रीवियस टू दिस। मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. नियति, कुड यू हियर मी इन दिस क्वेश्चन थ्रू आउट? आर्यन, देर वॉज नो इश्यू फ्रॉम माई साइड. आर्यन, कैन यू हियर मी राइट नाउ? आर्यन, देर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड. सर ओके, लेट्स सी, और कोई क्वेश्चन है क्या करने वाला? मुझे आई हो गया है. ओ यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. वी हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. सबको पता है हिस्टोग्राम कैसे बनाता है, कैसा दिखता है हिस्टोग्राम? सबको पता है. अच्छा, यहाँ पे जब हिस्टोग्राम तुम बनाओगे ना, एंड जस्ट गिव यू अ रफ स्केच ऑफ द हिस्टोग्राम बिकॉज यू गाइज हैव टू डू इट. व्हेन यू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये टेबल पूरा फिर से बनाना पड़ेगा विथ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स, एक्सक्लूसिव काइंड. यू नो हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव? क्लास इंटरवल्स कैसे करते हैं कन्वर्ट? यू हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पे 0.5 है, उसको तुम्हें ऐड करना है अपर लिमिट में और सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट से. सो बेसिकली योर न्यू क्लास इंटरवल्स वुड बी, लेट मी जस्ट राइट यू योर न्यू क्लास इंटरवल्स, 43.5 टू 47.5, 47.5 टू 51.5, 51.5 टू 55.5, 55.5 टू 59.5, 59.5 टू 63.5, 63.5 टू 67.5. दीज आर योर न्यू क्लास इंटरवल आफ्टर कन्वर्टिंग देम फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव और डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस फॉर्म. ठीक है, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ है, इसलिए मैं ये पूरा दिखा नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट शोइंग यू द कन्वर्टेड वंस. तो दीज आर योर क्लास इंटरवल्स. इसके बाद आएगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में तुम लिखोगे यहाँ पे 20, 28, 36, 16, 8 and 4. I'm sorry, 4 niche. Okay? This is more than enough to draw the histogram. Okay? Histogram isse ban jayega. Kaise banana hai histogram? So you will draw x axis, y axis. And since your first class interval does not start from 0 or any number which is near to 0, it starts from 43.5, which is such a odd number. ठीक है, just a moment here. So your class interval starts from 43.5. So you will make a kink over here, and you will take the scale on x-axis as 1 centimeter is equal to 5 units. सो किंग के बाद एक ब्लॉक छोड़ के यू विल राइट 43.5, 47.5, यस 51. इज इट 4 और 5? 4 units, या 4 units. यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर एज 4 units और 2 सेंटीमीटर एज 4 units, मच बेटर. ठीक है, 55.5, या इट इज 4 units, एंड 59.5 एंड सो ऑन. ठीक है, ये आगे चलता जाएगा. और फिर वाई एक्सिस पे तुम अपनी फ्रीक्वेंसी ले लोगे. सो यू कैन टेक द फ्रीक्वेंसी. तुम्हारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 36 है और मिनिमम है 4. सो यू कैन टेक
one block is equals to 4 units. Yeah, you can take 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, and so on. ठीक है, 43.5 टू 47.5 का जो हाइट है दैट विल बी अप टू 20 यूनिट्स. ठीक है, 47.5 टू 51.5 का जो हाइट है दैट विल बी अप टू 28 यूनिट्स. ऐसे करके तुम्हारे सारे ब्लॉक्स खड़े होंगे. ठीक है, 51.5 टू 55.5 का हाइट है 36, ऊपर तक जाएगा. फिर हाइट है 16, उसके बाद की हाइट है 8, एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज मोड. ठीक है, सो फॉर मोड यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इज द मोडल क्लास. मोडल क्लास, मोडल क्लास इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. दिस इज द मोडल क्लास बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 36. ठीक है, तो मोड ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, यू विल टेक दिस टावर ओवर हियर इनटू कंसिडरेशन विच इज द टॉलेस्ट टावर. ये टॉलेस्ट टावर को कंसिडर करना है तुम्हें. ठीक है, ये टॉलेस्ट टावर के लेफ्ट और राइट जो कॉर्नर्स है, लेफ्ट कॉर्नर से उसके बाद वाले टावर के लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर से उसके पहले वाले टावर के राइट कॉर्नर को ज्वाइन कर देना है क्रिस क्रॉस. और ये क्रिस क्रॉस से नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है. ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वो वैल्यू को ढूंढना है एंड दैट विल बी योर मोड. फाइंड द मोड एंड लेट मी नो. पूरी प्रोसेस बता दी मैंने तुम्हें, हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करवा दिया साथ में, ओजाई भी हो गया, सब कुछ हो गया. लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 8 o'clock. लंबा क्लास चला आज. नाउ इन दिस स्केल व्हाट यू हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 4 यूनिट्स. 1 सेंटीमीटर इज 10 लाइंस. ओके, 10 लाइंस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. दैट मीन्स 1 लाइन इज इक्वल टू 0.4 यूनिट. तुम कितने लाइन की बात कर रहे हो, मतलब कितने लाइन के बाद तुम्हें क्या चाहिए बोलो. कौन कितनी लाइन पे ये लाइन नीचे जा रही है, मीट कर रही है आफ्टर 51.5. आफ्टर हाउ मेनी लाइंस ओवर हियर ईच लाइन विल बी 0.4 यूनिट. यस, then the next line like the first line is 51.5, then it will be 51.9. yes sir. Yeah, like that. Yes sir. Yes sir. I found the mode. You found the mode, tell me. 52.7. okay, let's check the answer. Let me get the answer over here. I have the answer over here. 50, what did you get? 52.7. It is exactly, accurately, perfectly correct. Very good. Yes, so this is the graph in front of you which I was talking about. जैसे मैंने बताया था वैसे ही वो लोग ने किया है एंड 52.7 जिसको आया करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विथ ऑल द टॉपिक्स, ऑल द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं पूरा अपना हो गया है. अब तुम्हारे लिए मेरे पास 2 टास्क है जो अपने को कैसे भी करके नेक्स्ट वीक में करने हैं. लाइव लेक्चर में आई एम गोइंग टू डू केमिस्ट्री विथ यू,
मेरा टारगेट रहेगा केमिस्ट्री चैप्टर 3 का बाकी का पार्ट एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल मे बी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का एक चैप्टर। लेट्स सी कैसे होता है, मैं लेसन प्लान बना के रेडी करता हूँ तुम्हारे लिए मटेरियल। बट तुम वेट, लिसन लिसन टू मी, लिसन टू मी, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, सब लोग जो भी लोग यहाँ पे हैं अभी तक जिंदा। ओके लिसन, कल संडे है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो टास्क है। पहला टास्क है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, स्टैटिस्टिक्स यूनिट का थर्ड चैप्टर प्रोबेबिलिटी, विच इज अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी, एक शॉट में हो सकता है। वीडियो लेक्चर रेडी है मेरे पास, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने, देखो वो पूरे जो भी डिस्कस क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा उधर ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टेक्निक सब कुछ डिस्कस किया है मैंने उसमें, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट टुडे। सेकेंड थिंग इज आई एम गोइंग टू गिव यू आई थिंक फर्स्ट टू और थ्री पार्ट्स ऑफ लेंसेस, दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसको तुम्हें रेडी करना है, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल लाइक योर प्रीवियस चैप्टर जो हमने पिछले हफ्ते किया था, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस, दो हफ्ते लग गए हमें उसको ख़त्म करने के लिए, हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो कल के दिन में यू हैव टू डू दीज टू टास्क, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड लेंसेज का शुरुआत, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन केमिस्ट्री, एंड जो एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ मैं उसमें मैं फिजिक्स ख़त्म करूँगा। मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग ओवर हियर।